तो आपका देर रात सोना, आपका लेट उठना, ऐसा बिगड़ा डेली रूटीन आपको कौन कौन सी परेशानियों में डाल सकता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। कई बार ऐसा होता है, आप कहते हैं कि कर्म से ग्रह की दशा भी बदलती है, और ऐसा करते हुए कई लोगों को देखा गया। लेकिन क्या होता है ना, कई बार लोगों को पता होता है ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कंट्रोल नहीं होता है। शायद वो क्या ग्रहों की स्थिति वैसी रहती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार मुझे लगता है हम सब ने भी ये झेला होगा, हमें पता है ये हम गलत कर रहे हैं लेकिन सही कर नहीं पाते। तो उसके लिए क्या, अपने मन को कैसे मजबूत कह सकते हैं ना, मूलाधार को कैसे मजबूत करें? देखो, मन और मूलाधार में बहुत अंतर है। अच्छा। मूलाधार जो है एक चक्र का नाम है जी, जो मनुष्य के गुदा द्वार पर रहता है। अच्छा। और मन जो है, हाँ, ये 6-5 इंद्रियों के साथ जुड़ा छठा चीज है। ठीक है। जब तक ये पांचों इंद्रियों से जुड़ाव रखता है और इंद्रियों को कहे में रहता है, प्रजहाति सदा कामान पार्थ मनोगतान आत्मनय आत्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञस्त जायते। तो जब तक ये मन इन दुर्वासना युक्त इंद्रियों के वशीभूत रहता है, तब तक तो ये अनर्थकारी कार्य करता है। लेकिन जिस दिन ये मन बुद्धि के अधीन हो जाता है और बुद्धि विवेक के अधीन हो जाती है, जिस दिन ये मन इंद्रियों के कहने में नहीं चलता है बल्कि अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर सकता है, उस समय यही मन ईश्वर हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। लेकिन ये मन जब दुर्वासना युक्त होगा तब इंद्रियों में मन भगवान नहीं होंगे, ये बात बहुत स्पष्ट जान लेनी चाहिए। तो जो हम अपने को नहीं रोक पाते हैं, उसका कारण है कि हमारा मन इंद्रियों के वशीभूत है। जैसे किसी को शुगर हुआ है जी, तो वो कहता है कि वहाँ मिठाई रखी हुई है, चलो एक खा लो। तो उसका मन कहेगा, नहीं यार, शुगर खराब हो जाएगा। तो इंद्रिय कहेगी, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है, फिर दवाई खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से वो मन को पटा लेती है इंद्रिय, और मन जा करके वहाँ पहुँच करके मिठाई खा लेता है। इसी तरह से जितने भी काम, क्रोध, मोह, लोभ से संबंधित चीज़ें हैं, वो इंद्रियां ही मन को बलात् जबरदस्ती घसीट कर अपनी ओर ले आती हैं और गलत कार्यों में उसे प्रवृत्त करती हैं, जिसका परिणाम बुरा होता है। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अगर आपने ये आभास कर लिया कि जो शरीर दृश्यमान है वो मैं नहीं हूँ, और ये जो पांचों इंद्रियां हैं ये भी मैं नहीं हूँ, मैं अविनाशी का अंश हूँ, अगर ये समझ लिया आपने, और आप दृष्टा भाव से अपने शरीर की गतिविधियों को देखने लगे, तो आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, आपकी बुद्धि आपको रोकेगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपके पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते हैं, और दूसरी बात, रिश्ते अच्छे भी हो जाएं तो अगर सूर्य राहु के साथ है, सूर्य शनि के साथ है, सूर्य पर पापक ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे जातक के पिता की आयु अच्छी नहीं होती है, पिता अल्पवय में समाप्त हो जाता है, और पिता का पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहता है। और ख़ास करके अगर राहु में सूर्य का अंतर आए या सूर्य में राहु का अंतर आए, तब तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में पिता को हार्ट अटैक या बहुत तेज चोट चपेट लगने की संभावना बनती है। इसमें तुरंत सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 मंत्र जप करवाना चाहिए, हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए, और राहु की वस्तुओं का दान करना चाहिए, 7 अनाज, कंबल, ये सब चीज़ें दान करना चाहिए। देर तक सोते रहना, सुबह लेट से उठना, ये सब आपके रूटीन में अगर ये खराब होगा ग्रह तो आ जाएगा। हमेशा आँखों की समस्या सताएगी, सरकार की तरफ से परेशानियाँ बढ़ेंगी, ऐसे में आपको दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे। रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। सुबह आँख खुलने के तुरंत बाद बिस्तर न छोड़ें, कुछ देर तक बिस्तर पर रहें और उसके बाद उगते सूर्य को देखें। हर रोज़
पिता का माता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। यदि पिता जीवित नहीं हैं या आपसे दूर हैं तो उनके चित्र के सामने खड़े होकर प्रणाम करके घर से निकलें। सूर्य को मजबूत करने का सबसे बड़ा तरीका है कि नित्य प्रातः आप सूर्य को अर्घ दें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। इससे कितना भी बुरा सूर्य होगा उसमें आपको राहत मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी।